बात सन 1978 नैनागिरी क्षेत्र की है। वर्षा काल चल रहा था। हम लोग आचार्य महाराज के दर्शन करने पहुँचे थे। दोपहर में हमेशा की तरह आचार्य महाराज के प्रवचन हुए। प्रवचन के बाद पार्श्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय सभी ने देखा कि दीवार के सहारे एक छित्र में दो सर्प बैठे थे। आचार्य महाराज की भी नज़र पड़ गई। वे क्षण भर वहाँ ठहर गए और बोले, सर्पराज, शांत भाव से निर्द्वंद होकर विचरण करो। पूर्व में किए किसी अशुभ कर्म के उदय से यह पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करो, अपना आत्मकल्याण करो, किसी का अहित ना हो इस बात का ख्याल रखो। यह उनकी अत्यंत प्रेम पगी वाणी थी, मानो यह पावन संदेश था। दिन बीतते रहे। कई बार लोगों ने प्रवचन के समय उन सर्पों को बैठे देखा। किसी का अहित उन सर्पों के द्वारा नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि सचमुच इसी तरह तीर्थंकर की समूह शरण सभा में सभी प्राणी आते होंगे और अपनी अपनी भाषा में धर्म की बात समझकर आत्महित में लग जाते होंगे। यह नैनागिरी क्षेत्र भी पार्श्वनाथ भगवान की समूह शरण स्थली रहा है, जो आज आचार्य महाराज के उपदेशों से अनुप्रणित होकर प्राणी मात्र के कल्याण में सहायक हो रहा है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।